बेबी के घर पर एक गाय हुआ करती थी। वो गाय बहुत ही अच्छी थी। गाय को घर पर पालना पोसना शुभ होता है, इसीलिए उस परिवार ने गाय को पाला था। बेबी के माता पिता शंकर और शांति चाय का स्टॉल चलाया करते थे। यूँ एक दिन बेबी के घर पर एक स्वामी जी आए और उन्होंने बेबी से कहा, बेटा क्या घर पर कोई बड़ा नहीं है? नहीं स्वामी जी, मेरे माँ बाबू जी टी स्टॉल पर गए हैं। वो रात के 9-10 बजे तक लौट आएंगे। आप अंदर चलकर बैठिए ना स्वामी जी। बेबी के इतना विनय पूर्वक कहने पर स्वामी जी उससे प्रसन्न हो गए। बेबी ने उनका अतिथि सत्कार किया और उन्हें बिठाकर खान पान की व्यवस्था की। स्वामी जी इन्हें स्वीकारे। बेटा मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर उन दोनों में बहुत देर तक बातें हुई। देर रात होने के बाद बेबी के माता पिता अपने चाय का ठेला बंद कर घर वापस लौटे। घर पर बैठे स्वामी जी को देख उन्होंने कहा, प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी आप कौन हैं? मैं दरअसल इस गांव में नया आया हूँ। मैंने यहाँ पर अपना घर बनाया है और उसके गृह प्रवेश के लिए मुझे गाय की जरूरत है। आस पड़ोस में कहीं भी गाय नहीं है, केवल आपके घर में ही है। हर किसी ने अपने आंगन में भैंस को पाला है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। हाँ स्वामी जी आप जरूर ले जाइए। फिर वे सभी घर के बाहर आंगन में आए। स्वामी जी अपने साथ गाय को लेकर चले गए। गृह प्रवेश के बाद स्वामी जी ने गाय को यूं ही छोड़ दिया। गाय आंगन भर में घूमकर वहां पर उगे पेड़ पौधों को खा रही थी। स्वामी जी ने ये देखा पर उन्होंने गैया को घास चरने के लिए छोड़ दिया। इस गाय के मालिक दिल के बहुत अच्छे हैं। इनका चाय का व्यापार बहुत अच्छे से चलता रहे, इसके लिए मैं इन्हें एक घास पत्ता उपहार में दूंगा, जिससे इनका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। ऐसा मन ही मन सोचकर अपनी जादुई शक्ति से स्वामी जी ने एक पौधा प्रकट किया। फिर गाय के साथ उन्होंने पौधा भी लिया और उसे लौटाने के लिए शंकर के घर जाने लगे, पर गाय ने उस पौधे के पत्तों को खा लिया। इस बात से अनजान स्वामी जी शंकर के घर गए और गाय को उनके तबेले में बांध उन्हें जैसे ही पौधा देना चाहा तो देखा पौधे के सारे पत्ते गाय खा चुकी थी। इस गैया ने तो जादुई पौधे के पत्ते खा लिए, अब ये देखना होगा कि इसका क्या परिणाम होगा। अपनी दिव्य दृष्टि से स्वामी जी ने सब देख लिया और आगे जो होने वाला है ये जानकर स्वामी जी मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। इतने में बेबी खेलती खेलती आंगन में आई। माँ बाबूजी, स्वामी जी ने अपनी गैया लौटा दी। बेबी की आवाज़ सुनकर माता पिता घर से बाहर निकले। उन्होंने बाहर आकर गाय को देखा और वो ये सोच रहे थे कि स्वामी जी बिना बात किए क्यों चले गए होंगे। शंकर गाय का दूध निकालने बैठ गया तो देखा गाय से दूध की जगह सीधे चाय निकल रहा था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तन से धुआंधार चाय कैसे निकल रही है? ये कैसा गजब है? वो चौंक उठा था। बेबी और शांति ने भी ये चमत्कार देखा और हैरान रह गई। उन्होंने चाय पी कर देखी। चाय का स्वाद बहुत ही अच्छा था, एकदम अद्भुत। शंकर ने स्वामी जी से मिलकर सारी बात बताई। शंकर इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो हो रहा है और जो होने वाला है समझो कि वो भले के लिए ही है। इससे तुम्हें बहुत लाभ होने वाला है। मेरी बात का विश्वास रखो और चिंता मत करो। जाओ और बिना किसी चिंता के अपने चाय का ठेला चलाओ। शंकर स्वामी जी पे विश्वास रख वहाँ से चला गया। हमेशा की तरह वे दोनों अपने चाय के ठेले पर चले गए। जैसे ही ग्राहकों ने चाय पी, ये चाय तो बहुत ही बढ़िया है, ये तो अमृत तुल्य है। ये सुनकर पति पत्नी बहुत खुश हो गए। जब गांव वालों को पता चला कि चाय सीधे गाय से ही आती है, गांव वाले घर पर ही आकर चाय लेकर जाने लगे। इस तरह दिन दुगनी रात चौगनी उनकी तरक्की होने लगी। बहुत ही कम समय में उनके पास बंगले और गाड़ियाँ आ गयी। इस तरह उनकी जिंदगी बदल गई थी। इसके लिए हमेशा ही वो परिवार स्वामी जी का आभार मानते और इन सब का जरिया गौ माता ही थी, इसलिए हमेशा उसकी खूब देखभाल करते और सुखी जीवन जी रहे थे। बहुत समय पहले सर्पवर नाम के एक गांव में एक पति पत्नी का जोड़ा रहा करता था। उनकी शादी को अभी एक साल भी नहीं हुआ था पर वे बहुत गरीब थे। उन दोनों को कहीं बाहर घूमने का मन भी करता तब भी वे अपनी गरीबी के कारण ऐसा कर नहीं पाते थे। जब तक हर दिन वे दोनों मेहनत नहीं करते तब तक उनका गुजारा हो पाना मुश्किल होता।
सुनो, अपनी शादी के बाद से लेकर आज तक मैं तुम्हें घुमाने कहीं नहीं ले गया और ना ही कहीं मेले में ले गया। किसी दिन ऐसा करना भी चाहूँ तो उस दिन हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। मुझसे शादी कर, तुम सुख का अनुभव नहीं कर पा रही हो ना? आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैंने आपसे शादी इसलिए नहीं की ताकि आप कमा कर लाओ, ताकि हम उसे घूमने फिरने में उड़ा सके। मैंने तो अपनी जिंदगी के इस सफर में आपको अपना हमसफर बनाने का फैसला किया था, इसीलिए आपसे मैंने शादी की। ऐसे भी क्या बुरी जिंदगी है अपनी? सिनेमा ना देखने और मेले में ना घूमने से हम गरीब तो नहीं हो जाते ना? ऐसे कई गरीब लोग हैं जिन्हें खाने के लिए दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। सच कहूँ, तुम जैसी पत्नी पाकर तो मेरा जीवन धन्य हो गया। सच में ऐसे हालातों में भी तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो तो भला मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए होगा? आप इतना मत सोचा कीजिए, अपना मन शांत रखिए तो जिंदगी ऐसे ही सुहानी लगेगी और इस तरह अपना हर काम आसान भी हो जाता है। मुझे बस इसी बात का खेद है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ। बाहर जब मैं पति पत्नियों को घूमते फिरते खुश रहते देखता हूँ तो तब मुझे बुरा लगता है। अब भीना, ये सारे ख्यालात अपने दिमाग से निकाल दीजिए और आज आपको जो काम मिला है उसे अच्छे से कर लीजिए। हम धीरे धीरे एक एक पैसा जोड़ेंगे, ना खुद का ही एक कारोबार शुरू करेंगे। तुम भी सही कह रही हो, कमाए हुए पैसों में से हम हर रोज थोड़ा थोड़ा जमा करेंगे, जिससे आगे चलकर हम अपना कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं। उस दिन से उन दोनों ने तय किया और हर रोज की कमाई में से थोड़े थोड़े पैसे निकाल कर रखने लगे। जो अनावश्यक था उसमें पैसे खर्च नहीं करते और एक एक रुपया जोड़ने की उन्होंने अपनी आदत बना डाली। उन दोनों ने सोचा कि एक बार पैसे बन जाएंगे तो वे दोनों खेती करने के लिए जमीन खरीदेंगे। एक दिन हर रोज की तरह जब वे दोनों काम कर रहे थे तो अचानक पत्नी चकराकर गिर गई। पति ये देखकर बहुत घबराया, तुरंत उसने ऑटो बुलवाई और पत्नी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी बेहोश हो गई है, आप जल्दी से जाकर देखिए ना कि उसे क्या हुआ है। हाँ हाँ, धीरज रखो, मैं हूँ ना, मैं देखूंगा। डॉक्टर ने उसकी जांच की और बताया, सुनो, आपके लिए एक खुश खबर है, आपकी पत्नी गर्भवती है। आज से तुम्हें उनका बहुत ख्याल रखना होगा। लगता है जैसे उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया है। आज से तुम्हें उन्हें पौष्टिक आहार देना होगा, वरना बच्चा और जच्चा दोनों की जान के लिए सही नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आज से ही मैं अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखूंगा। पति अपनी पत्नी को साथ लिए घर पहुंचा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम दोनों माता पिता बनने वाले हैं, पर डॉक्टर ने कहा है कि तुम बहुत कमजोर हो गई हो, आज से तुम कोई भी काम करने नहीं आओगी। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो कैसे चलेगा? वैसे ही अपनी आर्थिक परिस्थिति इतनी भी अच्छी नहीं, अगर ऐसे में मैंने काम करना छोड़ दिया तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। तुम्हें इन सभी बातों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस अपना ध्यान रखो। अगर तुम चाहती हो कि अपना बच्चा स्वस्थ रहे, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। अगले ही दिन से पति हर रोज सुबह 4 बजे उठकर एक होटल में काम करने जाता। काम के बाद उनका दिया हुआ खाना लेकर अपनी पत्नी के पास आता और उसे खिलाता। फिर से वो मजदूरी का काम करने खेती पर जाता और शाम तक काम कर घर वापस लौटता। फिर से वो आधी रात तक होटल में काम करने चले जाया करता। इस तरह दिन रात बड़ी मेहनत से काम कर वो अपनी पत्नी के लिए पौष्टिक आहार और दवाइयों का इंतजाम करता और उसके डिलीवरी का समय पास आया। पति ने तुरंत अपनी पत्नी को अस्पताल में दाखिल किया। देखो, तुम्हारी पत्नी के पेट में बच्चा घूम गया है, अब दोनों को सुरक्षित रखने के लिए हमें ऑपरेशन करना होगा। अगर तुमने जल्दी से पैसे भर दिए तो हम उनका ऑपरेशन शुरू करते हैं। अब जल्दी जाओ और पैसों का इंतजाम करो। पति की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो कईयों के पास जाकर पैसों की मदद मांगने लगा, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरकार वो उस होटल में गया। मेरी गर्भवती पत्नी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच है, अगर आप मेरी पैसों से थोड़ी मदद कर दे तो मैं आपके यहाँ काम कर सारे पैसे चुका दूंगा। यूँ उसे फूट फूट कर रोता हुआ देख मालिक ने तुरंत पैसे निकाल कर उसे दे दिए। वो दौड़कर अस्पताल गया और अस्पताल में पैसे भर दिए। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन की तैयारी की और बच्चा जच्चा दोनों की जान बचाई। समय रहते तुमने पैसों का इंतजाम कर अपनी पत्नी और बच्चे की जान बचा ली। तुम्हें बेटी हुई है, तुम उसे मिल सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मेरी पत्नी और बेटी की जान बचा ली, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वो तुरंत अपनी पत्नी और बेटी के पास गया।
उसने अपनी बेटी को बड़े ही प्यार से अपने गोदी में लिया। वे दोनों बिल्कुल ठीक थे, ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों के बाद वो अपनी पत्नी और बेटी को साथ में लिए घर वापस लौटा। मैं जब अस्पताल में थी तो डॉक्टरों से मैंने सुना कि ऑपरेशन की वजह से आपको बहुत पैसे भरने पड़े, पर आप ऑपरेशन के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए? मैं पैसों के लिए कई जगह घूमा पर मुझे कहीं पैसे नहीं मिले, इसीलिए जिस होटल में मैं काम करता हूँ वहाँ से मैंने कर्ज उठा लिया। अब वहाँ पर काम कर मैं वहाँ का कर्ज चुकता कर दूंगा। हम दोनों को अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखना है। उन दोनों ने अपनी बेटी का नाम बेबी रखा। उस दिन से वे दोनों अपनी बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगे। बरसों बीते, अब बेबी बड़ी हो चुकी थी, फिर भी होटल से लिया हुआ कर्ज अभी तक चुकता नहीं हो पाया था। सुनिए, अब बेटी बड़ी हो चुकी है, हमें अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहिए। दिन ब दिन खर्च बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी ओर होटल से लिया हुआ कर्ज अभी तक चुकता नहीं हुआ है। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, अब हम क्या करेंगे? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े पर हमें अपनी बेटी को पढ़ाना जरूर है। हम दोनों मिलकर पैसे कमाएंगे तो होटल से लिया हुआ कर्ज हम जल्दी से चुकता कर पाएंगे। फिर हम खेती के लिए एक छोटी सी जमीन खरीद कर वहीं पर खेती कर लेंगे। अगले ही दिन से पत्नी भी पति के साथ जाकर मजदूरी का काम करने लगी। कुछ ही दिनों में उन्होंने पैसे बनाए और होटल से लिया हुआ कर्ज उन्होंने चुकता किया। फिर थोड़ा थोड़ा कर उन दोनों ने पट्टे पर थोड़ी जमीन ली और उसमें खेती करना शुरू किया। उन्होंने जमीन में जुताई की और उसमें बीज बोने लगे। बीज बोने के बाद कई दिनों तक वे दोनों इंतजार करते रहे पर उसमें से अंकुर फूटे ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि उनके लिए हुए सारे बीज नकली थे। वे दोनों आत्महत्या करने की सोच रहे थे। पर उसी दिन बेबी अपने स्कूल से वापस घर लौट रही थी तो उसे रास्ते में बीज से भरी एक पोटली दिखाई दी। उसने अपने माता पिता को बिना बताए अपनी जमीन में उन बीजों को बो दिया। बेबी को जो बीज मिले थे वो साधारण नहीं बल्कि जादुई बीज थे। जिस दिन उसने बीज बोए उसके अगले ही दिन उन बीजों से अंकुर फूटकर बहुत सारे पौधे निकल आए। आखिर ये कैसे हुआ होगा, ये वे दोनों सोच ही रहे थे कि बेबी ने उन्हें सारा सच बताया। मैं जब कल स्कूल से वापस लौट रही थी तब मुझे रास्ते में बीज से भरी एक पोटली दिखाई दी। अगर मैं आपसे ये कहती कि मुझे बीज बोने हैं तो मुझे लगा आप दोनों मुझे डांट दोगे। यूं बेबी ने सारा सच बताया। माता पिता को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो बीज किस चीज के थे। फिर उन्होंने सोचा कि वैसे भी अब पौधे उग चुके हैं तो कुछ दिन और इंतजार कर देख ही लेते हैं कि इन पौधों में आखिर लगेंगे क्या। इस तरह कुछ दिनों के इंतजार के बाद जब उन्होंने अपनी खेत देखी तो खेती में हर पौधे पर एक सेलफोन लगा हुआ था। ये देख बेबी के माता पिता हक्के बक्के रह गए। तब उन दोनों की समझ में आया कि बेबी को जो पोटली मिली थी उनमें साधारण बीज नहीं बल्कि जादुई बीज थे। उन जादुई बीज के बोने से ही उनकी खेती में सेल फोन के पौधे लगे हुए थे। ये उनकी समझ में आ गया। उन्होंने बड़े ध्यान से उन सेल फोन को उन पौधों से तोड़ा और उसी गांव में उन्होंने अपनी सेल फोन की एक दुकान लगा ली। उन्होंने अपने सेल फोन के दुकान का नाम बेबी सेल फोन रखा। उनकी दुकान पर जो जादुई सेल फोन थे वे उन्हें बहुत ही कम दाम में बेचने लगे। इसीलिए आस पड़ोस के गाँव में रहने वाले भी कई लोग आकर उन्ही की दुकान में सेल फोन खरीदते थे। इस वजह से उन्होंने बहुत ही कम समय में अपना सारा कर्ज मिटा दिया और उसी गांव में एक बड़ी सी जमीन लेकर उसमें किसानी करने लगे। इस तरह बेबी को मिले उन जादुई बीज की वजह से सेलफोन की दुकान लगाकर वे उस गांव के एक धनवान परिवार बन गए।